हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो है कंप्यूटर के एक वर्कशीट। इससे पहले भी मैंने कंप्यूटर की वर्कशीट क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए बनाई हुई है, जो कि वर्कशीट फर्स्ट थी कंप्यूटर की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, नेम फाइव प्लेसेज वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। कौन कौन सी ऐसी प्लेसेज हैं जहां पे कंप्यूटर यूज होता है? ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेज लाइक, चाहे तो बच्चे इसको 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं और स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, लाइक होम्स, स्कूल्स, बैंक्स, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, एयरपोर्ट्स और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन में 5 लिखा है इसलिए हमने आंसर में 5 लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 5 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यहां था कौन सी प्लेसेस पे यूज होता है, यहाँ कंप्यूटर के क्या यूज होते हैं। फर्स्ट यूज देखिए, टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, टू लिसन म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, टू डू कैलकुलेशंस एंड फॉर वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ मॉनिटर। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं 4 हमारे कंप्यूटर के, उसमें से किसी भी पार्ट की ड्रॉइंग बच्चों को दी जा सकती है, या फिर ड्रॉइंग देकर उससे उस ड्रॉइंग का नाम भी पूछा जा सकता है। और कई बार कीबोर्ड देके उसमें कुछ जो जैसे स्पेस बार की है, एंटर की है, उनको भी कहा जा सकता है कि ये कौन सी की है, वो भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप हर एक पार्ट की ड्राइंग बच्चों को अच्छे से लर्न कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये बैलून पिक्चर है। ऐसे बॉक्स में भी जो यहाँ पे ब्लैंक के वर्ड्स हैं वो लिखे हो सकते हैं, और कई बार ये ब्लैंक के वर्ड्स नहीं लिखे होते हैं, बच्चों को खुद से भी फिलअप करने होते हैं। कीबोर्ड हैज डैश अल्फाबेट कीज, तो कीबोर्ड में कितनी अल्फाबेट कीज होंगी, जितने हमारे अल्फाबेट है 26। ए डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो दैट इज स्पेस बार की। मोस्ट कीबोर्ड्स हैव 2 डैश कीज, सारे जो कीबोर्ड्स हैं उनमें कौन सी होती हैं 2 की, तो अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर की। ए कीबोर्ड हैज नंबर कीज एंड डैश कीज अलोंग विद सम स्पेशल कीज, कुछ तो नंबर कीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं और एक इस टाइप की कीज होती हैं, अल्फाबेट कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लेबल द पार्ट्स ऑफ ए माउस, ये यहाँ पे माउस है और बच्चों को ये एरो दिए हुए होते हैं, बच्चों को यहाँ पे ये जो इनकी लेबलिंग है, नेम्स है, उनको फिलअप करना है। जैसे दिस इज राइट माउस बटन, यहाँ पे दिस इज लेफ्ट माउस बटन और एंड इट इज ए स्क्रोल व्हील जो बीच में है। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कि 2 माउस ड्रॉ कर देते हैं, एक में रॉन्ग लेबलिंग कर देते हैं, एक में राइट लेबलिंग कर देते हैं, और बच्चों को पूछते हैं कि कौन से में सही लेबलिंग हुई है। ठीक है, तो बच्चों को उसमें से चूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है और उसके नीचे 3 ऑप्शन लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही है उसी को बच्चों को टिक करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस, अगर हम एक बार माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या राइट क्लिक, इट इज सिंगल क्लिक। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, अगर 2 बार करते हैं तो डबल क्लिक। हाउ डज द माउस पॉइंटर लुक लाइक, कैसा दिखता है, ऐसा या ऐसा या फिर ऐसा, तो वो हमें ऐसा दिखता है। डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, इनमें से कौन सी की है जो सबसे बड़ी है, स्पेस बार की, एंटर की, नंबर की या फिर डिलीट की, इट इज स्पेस बार की। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पे वर्ड्स को मैंने जंबल कर दिया है, बच्चों को उसे करेक्ट करके लिखना है। जैसे MOUSE माउस, BRUSH ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आइडेंटिफाई द पेंट टूल एंड राइट इट्स नेम ऑन द ब्लैंक, ये कुछ टूल्स हैं बच्चों को आइडेंटिफाई करने हैं और उनके नेम लिखने हैं। इट इज ए लाइन टूल, ठीक है, इट इज ए रेक्टेंगल टूल, दिस इज ए ब्रश टूल एंड इट इज ए फिल विथ कलर। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स हैं जिनकी स्पेलिंग बच्चों को आनी चाहिए और आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपके लिए ये वर्कशीट यूजफुल रही होगी। अगर आपने फर्स्ट वर्कशीट नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस देखना है कंप्यूटर का क्लास फर्स्ट का, उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग।